गुड मॉर्निंग। आज आज का जो टॉपिक है फिजिक्स 11th क्लास में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श कोण क्या होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श कोण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम बोर्ड एग्जाम सभी के लिए, है ना। यानी स्पर्श कोण, स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श कोण। देखिए होता क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट में, यानी क्या होता है, जब कोई द्रव किसी ठोस की सतह के संपर्क में आता है तो जो द्रव की सतह होती है वो या तो अवतल होती है या उत्तल होती है या कि समतल। कोई द्रव जो है किसी ठोस के संपर्क में जब आता है तो जो संपर्क सतह जहाँ पर होती है वो या तो अवतल टाइप का रहता है या उत्तल टाइप का रहता है या कि समतल रहता है। और जहाँ पर कांटेक्ट होता है द्रव और ठोस का, वहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए। देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन होगा, पूरा नहीं दिखा रहे हैं, है ना, और इसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक, ये क्या है पानी, तो ये ठोस, ठोस में हम कांच ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कांच, और ये इसमें जो भरा है उसको हम ले लेते हैं जल, ठीक है ना। कांच का बर्तन की दीवार यहाँ पर है ना, तो ये यहाँ पर जब लेते हैं तो जब इसमें कांच में, कांच के बर्तन में जब द्रव पानी को भरते हैं तो उसका सतह इस प्रकार बनता है। और यदि यहीं पर मान लीजिए ये कांच है और यहाँ पर आप कहोगे दोनों में अंतर तो कुछ नहीं है, ना लिखे दे रहे हैं ना, ये कांच तो है, कांच का बर्तन है, पर इसमें जो हमने भरा है वो पारा है, क्या है पारा। तो इसमें देखिए ये सतह कैसी है अवतल, ये कैसी है उत्तल, कांच की ये द्रव है ये भी द्रव है, ठीक है ना। अब यह जहाँ पर द्रव और ठोस एक दूसरे के संपर्क में है वहाँ एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और यहाँ भी हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पर्श रेखा, इसमें ये स्पर्श रेखा, ध्यान दीजिएगा कहना क्या चाहते हैं, ये स्पर्श रेखा इसकी है, ये स्पर्श रेखा इसकी है, ये स्पर्श रेखा बर्तन की दीवार से, बर्तन की दीवार से यानी ठोस से, बर्तन की दीवार से यानी ठोस से जो कोण बनाएगी उस कोण को क्या कहेंगे, स्पर्श कोण कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर है क्या कि यानी जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है, जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो द्रव की जो सतह होती है, स्वतंत्र पृष्ठ जो होता है, या तो अवतल होता है या उत्तल। और जहाँ द्रव और ठोस एक दूसरे के संपर्क में होते हैं वहाँ यदि एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो स्पर्श रेखा ठोस की सतह से जो कोण बनाए, जैसे ये वाला कोण भी बन रहा है लेकिन द्रव के अंदर साइड में जो कोण बने, ये है स्पर्श रेखा, ये है स्पर्श रेखा और ये है कांच की दीवार। तो स्पर्श रेखा और कांच की दीवार के बीच जो कोण बनेगा, तो कहेंगे कोण तो ये भी है पर शर्त है कि द्रव के अंदर साइड में जो कोण बने, यानी ये वाला कोण, इसमें द्रव के अंदर साइड जो कोण बने यानी ये वाला कोण, तो ये कोण क्या कहलाएगा, स्पर्श कोण, ये क्या कहलाएगा, स्पर्श कोण, ठीक है ना। यानी क्या कहा, फिर से सुनना, जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है, जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो संपर्क पृष्ठ पर,
संपर्क पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा। जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो संपर्क पृष्ठ पर या संपर्क सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के अंदर ठोस के साथ जो कोण बनाती है या जो कोण बनाता है उसे कहा जाता है स्पर्श कोण। जैसे यहाँ पर यह स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, तो बताया ना कि यदि ठोस की सतह भर से कहेंगे तब तो कहोगे ये वाला कोण, लेकिन द्रव के अंदर साइड में जो कोण बनेगा, यानी इसमें ये कोण लेना पड़ेगा, इसमें ये कोण। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें जो ये कोण है वो न्यून कोण है और ये कोण जो है वो अधिक कोण है। इसका मतलब स्पर्श कोण का मान इस न्यून कोण भी हो सकता है, अधिक कोण, सम कोण भी होता है ना। किसके लिए होता भी हम सब लिखे देते हैं। हाल फिलहाल पहले परिभाषा क्या कहा हमने, क्या कहा कि जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो द्रव के संपर्क सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के अंदर ठोस के साथ, द्रव के अंदर ठोस के साथ जो कोण बनाता है उसे स्पर्श कोण कहा जाता है। और स्पर्श कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। स्पर्श कोण का मान ये आपको बता दें, कांच और जल के लिए, इसके लिए कांच जल के लिए इसका जो मान होता है लगभग 8 अंश होता है। पारा और कांच के लिए इसका मान लगभग 135 होता है, है ना। यदि चांदी और जल की बात करेंगे तो उसके लिए स्पर्श कोण का मान 90 अंश होता है। शुद्ध जल और शुद्ध कांच के लिए स्पर्श कोण का मान 0 भी होता है, ठीक है ना। तो ये हम इसकी परिभाषा लिखे दे रहे हैं। देखना यहाँ पर, यदि ये कांच जल की बात है, परिभाषा पहले, जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो द्रव के संपर्क सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के अंदर ठोस के साथ जो कोण बनाता है उसे स्पर्श कोण कहते हैं। इसे थीटा से दर्शाते, ठीक है ना। इसका मान युग्म के लिए 3 होता है, ठीक। ये कांच है, ठीक है ना। क्या लिखा, जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो द्रव के संपर्क सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के अंदर ठोस के साथ जो कोण बनाता है उसे स्पर्श कोण कहते हैं। थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न द्रव ठोस युग्म के लिए भिन्न भिन्न होता है, है ना। यहाँ पर देखिए, पानी कांच के लिए थीटा बराबर 8 अंश, पारा कांच के लिए थीटा बराबर 135 अंश लगभग, चांदी ये शुद्ध
शुद्ध कांच के लिए इसका मान 0 होता है, ठीक है ना। अब द्रव का पृष्ठ अवतल, इसमें उत्तल, इसमें समतल, क्षैतिज कह सकते हो। ये ठोस को गीला करता है, ठोस को भिगोता है, ठोस को नहीं भिगोता है। ये दोस्तों इसके बारे में आ कहा गया, इसके बारे में, ठीक है ना। अब और द्रव में ये द्रव जो है ऊपर उठता भी है, एक में कांच ऊपर उठता है, ये द्रव नीचे गिरता है, ऐसा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो संपर्क सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के अंदर ठोस के साथ जो कोण बनाता है, स्पर्श कोण थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न द्रव ठोस युग के लिए भिन्न भिन्न होता है। बता दिए पानी कांच के लिए इसका मान 8 अंश है लगभग, पारा कांच के लिए 135 अंश लगभग, और ये पानी और कांच चांदी के लिए लगभग 90 अंश, शुद्ध जल शुद्ध कांच के लिए इसका मान 0 लिया जाता है, ठीक है ना। और इसका द्रव का पृष्ठ अवतल होता है, एक में उत्तल होता है, एक में समतल या क्षैतिज कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।